नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की अब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं GIC कॉलेज के सामने और मैं आपको कुछ खास दिखाने वाला हूं, क्योंकि रुड़की अब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है। आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए आप, अत्याधुनिक मशीनों से लैस आपके सामने है सरवन हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी क्लिनिक। दोस्तों, रुड़की में पहली बार आपके पास आ गया है। और एक बात और मैं बता दूं, मुंबई एवं पुणे जैसे प्रसिद्ध शहरों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आपको रुड़की में मिलेगी। कहीं आपको और आपके बच्चों को ये दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार रुड़की वासियों को क्या कुछ खास दे रहा है सरवण स्पीच थेरेपी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, ऐसे ऐसे परेशानियां भी बदलती जा रही हैं। बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, बूढ़ों को परेशानियां हो रही हैं, जवानों को भी परेशानियां हो रही हैं। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या क्या ये सुविधाएं आपको देने वाले हैं पूछेंगे। डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी, आपका स्वागत है रुड़की अब में। क्या कहेंगे रुड़की वासियों के लिए, क्या खास लेकर आए? जैसे कि नितिन जी आपने कहा कि जैसे समय बदल रहा है, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो बोलने में और सुनने में बहुत बीमारियां आ गई हैं, क्योंकि जैसे माँ बाप को टाइम नहीं हो पाता बच्चे को देने के लिए तो वो मोबाइल दे देते हैं, तो उससे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि बहुत आजकल बहुत बच्चों में पाई जा रही है। तो अगर उसका हम इलाज जल्दी से जल्दी करते हैं, स्पीच थेरेपी लेते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेते हैं, तो उससे हम निजात पा सकते हैं ऑटिज़म डिसऑर्डर से। पहले मेरे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेंटर नहीं था, जिसको हम डेवलपमेंटल सेंटर बोलते हैं। अब मेरे पास फुल्ली इक्विप्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेंटर है, जो कि जिसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे पास काम करता है रेगुलर बेसिस पे, और जो कि NCR या देहरादून में मिला जाता है, लेकिन अब रुड़की में ये चीज़ उपलब्ध मैंने कराई है। तो बच्चों को कैसे थेरेपी देते हैं आप, कैसे बोलना सिखाते हैं, क्या स्टेप रहता है सर? बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तरह तरह के झूले हैं, तरह तरह के स्विंग्स हैं, जिसमें बच्चों को झूला के जो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं। और स्पीच थेरेपी में तो बच्चों को 1-to-1 लिया जाता है, जिसमें मैं बच्चों को बोलना सिखाता हूँ, तरह तरह के कार्ड्स दिखा के बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं? जैसे आपने बताया कि अभी जो पेरेंट्स हैं उन्हें टाइम नहीं मिलता, जॉब पे जाते हैं। पहले क्या होता था, गांव में एक परिवार होता था, तो बच्चे वहाँ पर हंसते खेलते थे तो जल्दी सीख जाते थे, लेकिन अब टाइम बदल रहा है। ये परेशानी आपको भी हो सकती है और आपके बच्चों को भी हो सकती है। अगर हो तो घबराइए मत, आपके लिए ही रुड़की में पहली बार सरवण हेयरिंग एंड स्पीच क्लिनिक खुल चुका है। और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कान की नसों की जांच होती है, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की होती है, बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की होती है। कान की मशीनें उपलब्ध हैं, डिजिटल मशीनें। पहले क्या होता था, वो तार वाली मशीनें आती थी, जो आज पहले के बुज़ुर्ग लगाया करते थे। आजकल ज़माना बदल गया है, डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल मशीन है उपलब्ध, हर कंपनी की उपलब्ध है। और कान की नसों की जाँच तो उसके साथ है ही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे नॉन प्रोफेशनल तरीके से ये जो मशीनें आपने मशीनों का जिक्र किया है, ये तो और भी लोग बेच रहे हैं, दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? एक्चुअली नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बढ़ चुकी है, उत्तराखंड में भी बहुत नॉन प्रोफेशनल का मतलब होता है जिनके पास RCI का डॉक्यूमेंट नहीं है। RCI का मतलब है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमें कहता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी के पास है तब उसको अनुमति है क्लिनिक ओपन करने की, अगर वो डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है तो वो क्लिनिक ओपन करने की उसको अनुमति नहीं है। तो सबसे ज़रूरी रुड़की वासियों से मेरा यही कहना होगा, जहाँ से भी आप स्पीच थेरेपी लें, जहाँ से भी आप हियरिंग एड्स परचेज करें, वो आप देख के लीजिएगा कि उनके पास RCI का सर्टिफिकेशन है या नहीं, क्योंकि स्पीच थेरेपी बहुत सिंपल चीज़ तो है नहीं, बच्चे को बिठा के सिखाना बहुत लेबोरियस जॉब हो जाता है। लेबोरियस का मतलब है बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है सिखाना, और उसके ऊपर बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो आप जहाँ से भी लें, क्योंकि मेरी रुड़की वासी की जनता बहुत समझदार है, तो उनको पता है कि RCI क्या होता है, सो वो मेरे को लगता है ध्यान रखें। कुछ बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बच्चों को दिक्कत है उनकी, कब से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें उन्हें यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं उनके बच्चों को, क्या दिक्कत है आपके बच्चों? सर, एक्चुअली मेरी बेटी को कॉकलियर इम्प्लांट है, जिसके लिए स्पीच थेरेपी से उसकी जो वोकल है, मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, उसके पर्पज़ पे मैं यहाँ पे श्रवण हेयरिंग सेंटर में आ रही हूँ। पिछले एक महीने से आ रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।
तो रिजल्ट अभी तक कितने परसेंट आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा सीख रहा है, कुछ देख रहा है? एक्चुअली मैंने इससे पहले भी स्टार्ट करवाई थी, लेकिन वहाँ मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ये कह सकते हैं कि आउटपुट नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे सुना इसके बारे में, श्रवण के बारे में, तो फिर मैंने यहाँ पे तुरंत विजिट करा और हमने तुरंत ही क्लास स्टार्ट कर दी। और इसका कम से कम 60% मुझे ज़्यादा आउटपुट मिला है पिछली वाली क्लासेस के हिसाब से। जी, क्या तकलीफ है आपके बच्चों को, कब से आराम? मेरी बेटी को हाइपर ऑर्डिनेंस में, उसे बहुत दिक्कतें हैं कि ना तो वो बैठ सकती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ भी, ना किसी की बात सुनती है, ना कुछ करती, कोई भी एक्टिविटी से। यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है, अभी मेरे को 1 month ही हुए हैं, लेकिन उसे बहुत थोड़ा फर्क, जैसे वो हेलो करना सीख गई है, जय करना सीख गई है, किसी से इंटरेक्ट करना सीख, हमारी बातों को सुनने लग गई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे करके वो और ज़रा सीखने लगे, क्योंकि मुझे जो दिक्कतें आ रही है, मैं जो फील कर रही हूँ, वो कोई और फील नहीं कर सकता इस टाइम, क्योंकि एक अकेली हूँ मैं इस टाइम। इसके जो फादर हैं वो भी अपने बिजनेस में लगे, लेकिन मुझे एक, मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, मुझे इसलिए दिक्कत है क्योंकि कहीं मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो जाए इस चक्कर में। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी तो ठीक है, और किसी और को भी कोई दिक्कत हो ना इस चीज़ की, तो वो भी जल्दी से जल्दी आके श्रवण क्लिनिक में आके अपने बच्चे या बेटी का इलाज करें।